हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। हमारे समाज में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोग नौकरी की तलाश करते रहते हैं। कई बार तो वे बेहद कम सैलरी पर भी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन खेती या बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने गुड़गांव के विनोद कुमार मिसाल पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी बिजनेस से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए श्वेता टेक टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे आने वाले नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा गुड़गांव के फरूख नगर तहसील के गाँव जमालपुर के रहने वाले विनोद कुमार, इन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मोती की खेती शुरू की और आज वह मालामाल हो गए हैं। आज आलम यह है कि वह हर साल अपने परिवार और खेती का सारा खर्च उठाने के बाद भी 5 लाख रुपए तक बचा लेते हैं। विनोद की यह कहानी से कई लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। विनोद कुमार की उम्र मात्र 27 साल है। वे बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2013 में मानेसर पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने नौकरी की। उनके पिता भी किसान हैं। प्राइवेट नौकरी के साथ थोड़ी रुचि खेती में भी थी। इसी बीच विनोद ने काफी दिनों तक इंटरनेट पर खेती के तरीके और फायदे कमाने के गुण सीखे। इसके बाद वे नौकरी छोड़कर गाँव आ गए। पहले तो माँ पिता ने उनके इस फैसले के प्रति नाराजगी जताई। गांव आकर विनोद ने मोती की खेती शुरू की। खेती शुरू करने से पहले विनोद ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीफा भुवनेश्वर में जाकर 1 सप्ताह ट्रेनिंग ली और 20x10 फुट एरिया में 1000 सीप के साथ मोती की खेती शुरू कर दी। विनोद कुमार ने बताया है कि यह खेती शुरू करने के लिए पानी के टैंक की जरूरत पड़ती है। मेरठ, अलीगढ़ व साउथ से 5 रुपए से 15 रुपए में सीप खरीदी जा सकती है। यह मछुआरों के पास मिलती है। इन सीप को 10 से 12 महीने तक पानी के टैंक में रखा जाता है। जब सीप का कलर सिल्वर हो जाता है तो मानो मोती तैयार हो गया है। पूरा सेटअप खड़ा करने में लगभग 60,000 रुपए खर्च आ जाता है। इस खेती में सबसे अहम काम सीप की सर्जरी करना है। इसके लिए ही विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ता है। सीप के अंदर 2 मोती पैदा हो सकते हैं। जैसी आकृति उसके अंदर रखी जाती है वैसी ही मोती पैदा हो जाता है। वे भगवान गणेश, शिव, 786 आदि के मोती भी पैदा करते हैं। विनोद ने बताया कि मोती की कीमत उसकी क्वालिटी देकर तय की जाती है। एक मोती की कीमत 300 रुपए से शुरू होकर 1500 रुपए तक होती है। इसकी मार्केट सूरत, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में है। विदेशों में भी अच्छी खासी डिमांड है, लेकिन उसके लिए आपके पास पैदावार अधिक होनी चाहिए, तभी एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। वे खुद 2000 सीप के व्यवसाय से 5 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी ले रहे हैं। विनोद खुद भी किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके लिए उन्होंने एक शुल्क रखा हुआ है। किसान उनके पास इस खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। विनोद ने कहा है कि जो भी पढ़े लिखे युवा हैं वे केवल नौकरी पर आश्रित ना रहें, वे अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल व्यवसाय और खेती के लिए करें। दोस्तों, विनोद कुमार की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब किसी में कुछ करने की चाह होती है तो वह छोटे कामों से भी अपनी पहचान बना लेते हैं। दोस्तों, विनोद कुमार से कांटेक्ट करने की मैं कोशिश कर रही हूं। जैसे ही उनका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपना खुद का रोजगार व्यवसाय शुरू कर सकें और अच्छी खासी कमाई कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।
एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।